मित्रों, अभी ये राहुल बाबा, अरे भाई क्यों हंस रहे हो, हंस क्यों रहे हो, बोलो भारत माता की। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भारत भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो, किस किताब में पढ़े हो, ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये तो ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जौहर करकर अपने आप को स्वमान के लिए और देश के लिए जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं, मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। और गहलोत साहब जोधपुर के ही है, मैं उनके गांव में आकर बोलता हूं, गहलोत जी ध्यान से सुनिएगा, आपके वादे याद कराने आया हूं। 2018 में राहुल बाबा के साथ अंट संट वादे किए थे, 5 साल होने को आए, भारतीय जनता पार्टी आपका हिसाब मांगती है, क्या हुआ? 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ करने का क्या हुआ? मुझे बताओ भैया, किसानों का ऋण माफ हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? गहलोत से हिसाब मांगोगे? मित्रों, उन्होंने कहा था 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये युवा खड़े हैं, किसी को मिलता है क्या? मिलता है भाई, हिसाब मांगोगे क्या? मित्रों, 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। अरे गहलोत साहब, 10% का भी सूची तो दिखा दो जरा। अरे युवाओं बोलो जरा, मिली है रोजगारी? मिली है रोजगारी? आप नहीं दे सकते। मित्रों, वसुंधरा जी गई तब राजस्थान में बेरोजगारी की दर 5.4% थी, गहलोत सरकार ने बढ़ाकर 32% करने का काम गहलोत सरकार ने किया। मित्रों, मोदी जी ने अभी पेट्रोल पर टैक्स कम किया, भारत सरकार का टैक्स तो कम करा, भाजपा की जहां जहां सरकारें थी सभी राज्य सरकारों ने वेट कम करने का काम करा, मगर गहलोत जी ने नहीं किया। आज देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल कहीं मिलता है तो राजस्थान के अंदर मिलता है।